हे गाइस, दिस इज नमिता एंड यू आर वॉचिंग रूपांतरण स्टूडियो। गाइस, अगर आप भी हैं परेशान अपने फ्रीजी, डल, अनमैनेजेबल हेयर से, और अगर आपको भी प्रॉब्लम हो गई है स्प्लिट एंड्स की, ब्रेकेज हेयर की या डेंड्रफ की, और अगर आपका हेयर लॉस की वजह से लैक ऑफ वॉल्यूम हो गया है, तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी, जिसको आप यूज़ करने के बाद विद इन अ वीक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गाइज, ये बहुत ही अच्छा है। मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि वेदर चेंज की वजह से मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, तो मैं हमेशा यही चीज ट्राई करती हूँ, और मेरा विद इन अ वीक और एक वॉश के अंदर मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और वो है सॉल्यूशन ये। गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, एंड सेकंड अगर आप उसके साथ मिक्स करते हैं कैस्टर ऑयल। थर्ड थिंग, मैं इसके अंदर मिलाऊंगी विटामिन ई का कैप्सूल। कोकोनट ऑयल है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, रिपेयर करता है आपके स्प्लिट एंड्स को, आपके उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो फाइट करता है डेंड्रफ से, और बहुत ज्यादा इसका अच्छा एक बेनिफिट है, दैट इज यूवी रेज होती है जो हमें सन से मिलती है, उससे प्रोटेक्शन देता है। इट्स अ नेचुरल एसपीएफ, स्किन के लिए ही होता है विटामिन ई। तो अगर आप अपने हेयर और स्किन की बात करें, तो विटामिन ई इज वेरी कंपल्सरी फॉर योर रिपेयर और प्रोटेक्ट योर स्किन और हेयर। ऑयल के भी अपने बेनिफिट्स हैं, दैट इज कैस्टर ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट देगा। सेकंड, इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल्स होते हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आपके जो मार्केट में जितने भी मॉइस्चराइजर होते हैं, मोस्टली कंपनी कैस्टर ऑयल यूज़ करती है अपने मॉइस्चराइजर के लिए। इन तीनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा मैंने एक ऑयल बना लिया है। अब मैं इसको पूरे बालों पे स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने मोस्टली, मेरी ये रहता है कि मैं अपने सारे रूट्स में इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँ और अच्छे से इसको मसाज करूँ। मैं बहुत ही स्लो मसाज करके अपने स्किन के अंदर इसको पेनिट्रेट करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिलैक्स मिलता है, मुझे मेरा सारा स्ट्रेस आउट हो जाता है अगर मैं इस तरीके से मसाज करती हूँ तो। और इसके बाद मैं अपने बालों में इसको स्प्रेड करने, लोग नॉर्मली रूट्स में टच करते हैं ऑयल को, अपने लेंथ पे नहीं लगाते हैं, बट गाइस, जितना आपका रूट पे काम करता है उतना ही आपकी लेंथ पे भी काम करता है। लेंथ पे लगाएंगे तभी आपका फ्रिजीनेस, आपका जो अनमैनेजेबल हेयर है, वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। आप खुद भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। पूरे बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद मैं स्टीम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। हम हमारी स्किन को स्टीम की और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन होके अंदर अंदर ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट होता है। यहाँ पे स्टीम ले रही हूँ, मैंने माइक्रोवेव के अंदर अपना बिल्कुल वेट टॉवल डाल दिया है, और मैं इसको 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में डाल दूँगी, और उसको मैं पूरा स्टीम हो जाएगा तो मैं अपने बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा रैप कर लूँगी, और मेरे को अच्छे से इसका अंदर स्टीम मेरे को फील हो रहा है, और जो कि अंदर जाने के बाद ज़्यादा इफेक्ट देता है। अगर आप उसके पोर्स ओपन नहीं करेंगे और मसाज करके ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आपका जो आपने ऑयल लगाया है उसका आपने हाफ यूज़ किया है, हाफ वो अच्छे से प्रॉपर उसका यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ है। तो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर स्टीम लें। अगर आप हेयर ऑयल कर रहे हैं, आप कोई भी हेयर ऑयल कीजिए, बट साथ में स्टीम लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपने इन तीनों को कॉम्बो के साथ अगर आपने स्टीम लिया है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। पूरे बालों में ऑयलिंग के बाद, स्टीम करने के बाद मैंने अपने बालों को अब छोड़ दिया है। ओवरनाइट मैं इसको अब छोड़ दूंगी, और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं हेयर वॉश कर लूँगी, और हेयर वॉश करने के बाद मेरे बाल बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और आप भी इसको ट्राई कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप गाइज मुझे प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कितना रिजल्ट इससे आया है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इसके बाद कोई और प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं इसी तरीके की आपके लिए और भी वीडियोस हेयर केयर में या स्किन केयर में आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट विद मी, और गाइज इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।